ये हमने 1 लीटर दूध को बॉईल किया है, फिर हम इसको गरम करना है और हम इसमें 1 चम्मच लेमन जूस इसमें डाल देंगे और फिर हम इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे तेज़ गैस करके। और आप ये देखिए कि ये थोड़ा पनीर दिखने लगा है, अलग होने लग गया है। हम इसको जब तक बॉईल करते रहेंगे 2 से 3 मिनट तक, तो आप देखिए ये पानी अलग हो गया है और ये हमारा पनीर अलग दिखने लग गया है। ये हम बाउल लेंगे और बाउल के अंदर हमें जो हम छानते हैं छन्नी वो लेंगे और एक कॉटन का कपड़ा लेंगे। ये कॉटन का कपड़ा हमने इसके ऊपर लगा लिया है। और ये हमने जो गरम किया था और इसको हम फिर दोनों को अलग करने के लिए हम इसके अंदर कपड़े पे डालेंगे। ये आप देख रहे हैं पानी नीचे वाले बाउल में चल जाएगा और ये कपड़े के ऊपर अलग सा पनीर जैसा हमारे आ जाएगा। फिर ये हम इन कपड़े को बांध के लटका देंगे आधे घंटे तक, जो थोड़ा पानी बचा हुआ है वो अच्छे से निकल जाए। फिर आधे घंटे बाद हम इस कपड़े को खोलेंगे और इस कपड़े को खोल के हम लोग एक प्लेट पे रखते हैं। उसको हम लोग धीरे धीरे खोल के ओपन करेंगे। ये आप देखेंगे, देखो पूरा अच्छे से हमारा ये पनीर तैयार है। फिर हम पनीर को धीरे धीरे फोड़ लेंगे हल्के हल्के हाथ से। ये हम कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से अपने जो जब तक ये हमारा पूरा अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए इसको हम अच्छे से मचलते रहेंगे। देख लीजिए हम किस तरह से हम इसको मचल रहे हैं। कम से कम हमें 5 मिनट तक तो करना ही है, तभी हमारे सॉफ्ट होंगे रसगुल्ले। ये देखिए कितने अच्छे से हमने कर लिया है इसको और इसको कितने अच्छे से सॉफ्ट तरीके से हो गया है पूरा। तो धीरे धीरे करा, ये देखिए अभी आप इसको छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे रसगुल्ले के लिए अपनी हथेली से। ये हम बॉल बना रहे हैं इक्वल साइज के, हम लोग का रसगुल्ले बॉल बनाएंगे। तो अच्छे से बनाएं, थोड़ा देखिए ध्यान से कि फूट ना जाए और अच्छे से आप इनको रोल गोल गोल करिए। देखिए आप बॉल इस तरह से हम लोग इसको बॉल बना लेंगे। ये हम बाकी जो हैं उनका सब तरह से इस तरह से बॉल बन जाएंगे। ये देखिए किस तरह के बॉल बना रही हूँ। ये हमारी बच्चे हैं, उसके सब हमारी बॉल बन गई है। तो अप्रोक्स हमारे 10 से 12 रंगीले बॉल बन गए हैं। ये हमने कढ़ाई ली है और इसको हमने 5 कप पानी डाल दिया हमने और इसको गर्म करेंगे हम। फिर हम शक्कर लेंगे एक और आधी बाउल कटोरी, हम लोग इसको इसके अंदर शक्कर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि कटोरी आपका थोड़ा छोटा है बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप शक्कर लेके बाउल में डाल के इसको हम अच्छे से घुल नहीं जाए शक्कर, इसको अब जब तक आप हिलाते रहिए गर्म पानी में इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमारा तैयार है
चटनी। अच्छे से हम लोग इसको थोड़ा तेज में इसको हम लोग रसगुल्ले डाल लेंगे। कम से कम हम लोग इसको सात से आठ मिनट तक हम लोग इसको इसके अंदर रखेंगे। देखिए जो बल गया है और हमारे रसगुल्ले थोड़े से नॉर्मल जो हमने बनाया था उससे थोड़े से फूल गए हैं, तो इसमें हमारे चाटनी आ गई है। तो आप अच्छे से थोड़े से इसको थोड़ी देर और अच्छे से इनको हिलाते रहिए धीरे धीरे। ये देखिए हमारे रसगुल्ले कितने तेज से बॉईल हो रहे हैं। ये हमारे रसगुल्ले बस तैयार होने में। अब हम इस गैस को बंद कर लेंगे और इसको हम लोग थोड़ी देर इसको हिलाते रहेंगे रसगुल्लों को। अब हम रसगुल्ले को निकाल लेंगे। ये हमारे रसगुल्ले देखिए तैयार हैं। तो अब आप देखिए हम रसगुल्ले को गर्म भी खा सकते हैं और हम इसको ठंडे भी करके रख के खा सकते हैं, और आप अच्छे से इस पर आइसक्रीम डाल के खा सकते हैं। तो आपकी चॉइस है। तो हम इसके ऊपर चाटनी डाल के और ये हमारे रसगुल्ले और ये आपको हमारे रसगुल्ले देखिए कितने सॉफ्ट हैं। तो आप अगर आपको हमारे रसगुल्ले की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।